प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अब ग्रामीण क्षेत्रों के मोतीराम अड्डा, महावीर छपरा, पिपराइज और मिर्जापुर बाजार रूट पर भी संचालित होंगी इलेक्ट्रिक बसें। ग्रामीणों को मिलेगी काफी राहत। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर कर सकते हैं रवाना। पुलिस अधीक्षक यातायात एवं आरटीओ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर स्कूल की बसों का मानक के आधार पर की चेकिंग। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की 13 बसें मिली मानक के विपरीत। फिटनेस पूर्ण कराने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं एमडी को किया गया निर्देशित। आरटीओ ने सभी स्कूलों के संचालकों से की अपील, कहा सुरक्षा है सर्वोपरि, बिना फिटनेस की वाहनों को मार्ग पर न करें संचालित। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने महेश्वरा स्थित इलेक्ट्रिक बसों के बनाए गए चार्जिंग स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। बसों के रखरखाव व चार्जिंग के बारे में अधिकारियों से ली विस्तृत जानकारी। कहा, इन बसों में यात्रा करने में लोगों को मिल रही है काफी सुविधा। रामगढ़ ताल के किनारे रेलिंग के बीच लगाई जा रही है इनबिल्ट सोलर लाइट, बन रहा है आकर्षण का केंद्र। जीडीओ उपाध्यक्ष ने कहा, इनबिल्ट सोलर लाइट लगने से नहीं होगी बैटरी की चोरी, बिजली की होगी बचत। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने महवा मंडी स्थित कान्हा उपवन का किया निरीक्षण। गायों को अपने हाथों से खिलाया फल और चारा, पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कृषि उत्पादन मंडी समिति के द्वारा सुपरमार्केट की 3 दुकानों का सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में की गई नीलामी। ज्यादा बोली लगाने वाले व्यापारियों को बेची गई दुकानें। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नीति आयोग द्वारा प्रदत्त अटल टिंकरिंग लैब का संयुक्त शिक्षा निदेशक ने किया उद्घाटन। कहा, बच्चे आज समाज के उत्थान में दे रहे हैं अपना महत्वपूर्ण योगदान। नवाचार से ही हम अपने जीवन को और बना सकते हैं सुलभ।